मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका NRPS की स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में। अभी तक हमने अध्याय पुनरावृत्ति एक के कितने सवाल पढ़े? 21 सवाल पढ़े। कितने? 21 सवाल। अब हमारा अगला सवाल कितना है? 22वां। 22वां भी पढ़ चुके हैं। मेरे हिसाब से आप सभी ने पहाड़े याद कर लिए होंगे और लिख भी लिए होंगे। अब देखिए अगला सवाल क्या है हमारा? 23वां। ठीक है, 22 तक हमने क्या करे थे? सवाल कर लिए थे। अब देखिए एक अंक लिख रही हूँ, उसको पढ़ के बताना है। देखिए इकाई, ढाई, सैकड़ा। सैकड़ा जहाँ है वहाँ क्या करना है? कोमा लगाना है। हजार, 10,000। 9 और 8। 9 और 8 क्या है? 98। क्या है? 98। 98 क्या है? 1000। 700, सैकड़ा यानी कि 100। 700। 98,700। 6, 5, 65। 98,765। ये क्या है? मीटर को किलो मीटर, हेक्टो मीटर, डेका मीटर और मीटर में बदलना है। ठीक है, क्या करना है हमें? 9,800, क्या गिना था हमने? वापस गिने, देखिए 9 और 8 कितना बोला? 98। ठीक है, 98 क्या है? 1000। 7 क्या है? 100। 6 और 5, 65। 98,765 को काय में बदलना है? किलोमीटर में। काय में बदलना है? किलोमीटर। अब देखिए इसका हल, एक किलोमीटर मीटर पूछ रहा है ये। किलोमीटर भाई, मीटर को काय में, जो मीटर दे रखा है उसको किलोमीटर में। जब भी हम छोटे काय को बड़ी काय में बदलते हैं तो भाग देते हैं, तो 1 किलोमीटर में मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं बताइए? कितने? 1000 मीटर होते हैं। 1 मीटर में जो किलोमीटर होते हैं कितने होते? 1000 मीटर होते हैं। कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। अब क्या है? मीटर को यानी इसको किलोमीटर में बदलना है। 98,765 मीटर को किलो मीटर में बदलने पर। ठीक है, जब हम छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलते तो क्या करते हैं? भाग देते हैं। क्या करते हैं? भाग देते हैं। 98,765 को किसका भाग लगाएंगे? 1000 का। किसका? 1000 का। देखिए यहाँ 1 है, पीछे कितनी 0 है? 3। फिर 2 लिखे, 3 0 लगाए। फिर 3 लिखे, 3 0 लगाए। फिर 4 लिखे, 4 0 लगाए। फिर 5 लिखे, 5 0। फिर 6 0 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000। फिर क्या आएगा? 10000। ठीक है, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, 1 से लेकर 10 अंक लिखने हैं, उसके पीछे कितने 0 लगाने हैं? 3 0 लगाने हैं। कितने 0 लगाने हैं? 3 0 लगाने हैं। ये क्या है? 1000 का पहाड़ा। अब देखिए 1 2 3 यहाँ कितने अंक है? 1 2 3 और 4। तो यहाँ भी कितने अंक लेने हमें? 1 2 3 और 4। अब 4 अंक हमने लिए तो कितने हुए? 4 अंक जब हमने लिए तो कितने हुए? 9 8 7 6। ठीक है, कितने हुए 4 अंक ना?
चार अंक में मैंने क्या बोला, सैकड़े के आगे इकाई ढाई सैकड़ा हजार, यानी 9876 9876 कहीं दिखाई दे रहा है क्या? नहीं ना। तो हमें क्या करना है, या तो इतना लेना है या फिर इससे कम, यानी कि 9876 ये हमें नहीं दिखाई दिया, तो इससे कम क्या है? 9000। और 9000 कितनी बार में आया, 9000 कितनी बार में आया, 9000 नौ बार में आया, कितनी बार में आया, नौ बार में। अब छः में से जीरो को घटाए तो क्या आया, छः। सात में से जीरो को घटाए तो क्या आया, सात। आठ में से जीरो को घटाए तो आठ, और नौ में से नौ को घटाए तो ज़ीरो। अब कितने अंक हुए, एक दो तीन, यहाँ कितने हैं, चार। तो हम क्या करेंगे, अगला अंक उतारेंगे, क्या करेंगे, अगला अंक उतारेंगे। अब देखो इकाई ढाई सैकड़ा हजार यही है। अब देखिए आठ क्या है, 1765। अब देखिए 8765 दिखाई दिया क्या, नहीं ना। 900 तो क्या है, बड़ा, और ये क्या है, छोटा। तो हम क्या है, छोटा लेंगे, बड़ा नहीं लेंगे, या तो यही अंक है या उससे छोटा लेना है। तो कितना लेंगे हम, 8000 लेंगे। कितनी बार में आया, आठ बार में आया। घटाए, पाँच में से जीरो को घटाए तो पाँच, छः में से जीरो को घटाए तो छः, सात में से जीरो को घटाए तो सात, और आठ में से आठ को घटाए तो ज़ीरो। ये क्या है, शेष फल बचा हमारा, क्या बचा, शेष फल बचा, ठीक है। अब देखिए शेष फल भी हमारे क्या है, आगे काम आएगा। हमारे पास मीटर को किलोमीटर में बदलने पर कितने किलोमीटर आया, कितने किलोमीटर। 9 और 8 को क्या बोलते हैं, 9 और 8 को हम बोलते हैं 98। अगला क्या है, हेक्टोमीटर, क्या है, हेक्टोमीटर। और हेक्टोमीटर को क्या करना है, हमें मीटर में बदलना है। और जब भी हमें हेक्टोमीटर को मीटर में बदलते हैं तो कितना होता है इसके अंदर, देखिए, एक हेक्टोमीटर में मीटर होते हैं कितने, 100। कितने होते हैं, 100। अब ये क्या बोल रहा है, 765 क्या है, ये हमारे हेक्टोमीटर बचे, तो 765 मीटर है ना, उसको काय में बदलना है, हेक्टोमीटर में। तो 765 मीटर को हेक्टो मीटर में बदलने पर, देखिए इधर बदलते हैं, देखिए कितना, यहाँ कितना आया, 100, और ये कितना है, 765। 100 का बड़ा सभी को आता है, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है, बाहर 3 अंक और अंदर 3 अंक, यानी 765, या तो 765 मिले इसमें, 765 कहीं भी नहीं, उससे छोटा क्या है, उससे छोटा हमारे पास क्या है, 700। 700 कितनी बार में आया, 7 बार में, कितनी बार में आया, 7 बार में। अब क्या करना है, घटाना है, 5 में से 0 को घटाए तो क्या आया, 5, और 6 में से 0 को घटाए तो 6, और 7 में से 7 को घटाए तो 0। ये क्या है, शेष फल। कितना आया, मीटर को हेक्टोमीटर में बदलने पर कितना आया, 7 हेक्टोमीटर। क्या है ये, हेक्टोमीटर, HM, ठीक है ना। अब आगे देखिए क्या है हेक्टोमीटर के बाद, डेकामीटर, क्या है, डेकामीटर। जब भी हम डेकामीटर को मीटर में बदलते हैं तो किससे भाग देते हैं, 10 से भाग देते हैं, किससे भाग देंगे, 10 से। एक
डेका मीटर में मीटर होते हैं कितने? दस। कितने? दस। दस क्या है? मीटर। ठीक है, तो पैंसठ क्या है? पैंसठ डेका मीटर, यानी कि जो मीटर है, पैंसठ बचा है ना अब हमारे पास, इसमें कटता है तो ये बचा, तो हमने इसको भाग लगाया, फिर कितना बचा? पैंसठ। ठीक है ना, अब पैंसठ मीटर में से क्या निकालना है? डेका मीटर। पैंसठ मीटर में डेका मीटर होंगे, ठीक है, हम यहाँ लिखे पैंसठ, भाग किसका लगाना है? दस का। दस का बड़ा सभी को आता है, देखिए या तो सत्तर आएगा या फिर साठ। मैंने क्या बोला? बड़ा नहीं आएगा। छः और पाँच क्या है? पैंसठ। वो क्या है? सत्तर से छोटा। अब मैंने क्या बोला था? छोटा अंक आना चाहिए। छोटा कितना है? साठ। यहाँ क्या लिखेंगे? साठ। कितनी बार में आया? दस के पहाड़े में साठ कितनी बार में आता है? छः बार में आता है। कितनी बार में आता है? छः बार में आता है। ठीक है, पाँच में से जीरो को घटाए तो क्या आया? पाँच, छः में से छः गया तो जीरो। क्या बचा? मीटर बचा। ठीक है, ये सब जो बच रहे हैं शेषफल, वो क्या है हमारे? मीटर हैं। क्या है? मीटर हैं। एक बार वापस समझें, 98,765 मीटर है। ठीक है, मीटर को हमने काय में बदला? किलोमीटर में। अब देखिए, किलोमीटर में, एक किलोमीटर में जो मीटर होते हैं वो कितने होते हैं? हजार होते। कितने होते हैं? हजार। तो हम क्या करेंगे? 98,765 को किससे भाग लगाएंगे? हजार से भाग लगाएंगे। किससे भाग लगाएंगे? हजार से। तो हमने हजार में भाग लगाया तो कितना आंसर आया हमारे पास? 98 आंसर आया। 98 क्या है? 98 हमारा क्या है? किलोमीटर है। क्या है? किलोमीटर। अब कितना मीटर बचा? 765 मीटर बचा। अब देखिए क्या निकालना है अगला? हेक्टोमीटर निकालना है। क्या निकालना है अगला? हेक्टोमीटर। अब हेक्टोमीटर में हमें क्या करना है? एक हेक्टोमीटर में जो मीटर होते हैं वो कितने होते हैं? 100। तो 765 मीटर को हेक्टोमीटर में बदलने पर कितना आया? सात। सात कैसे आया? 100 का भाग लगाने पर। सात कैसे आया? 100 का भाग लगाने पर। अब कितना शेष बचा? पैंसठ। ठीक है, एक डेका मीटर में जो मीटर होते हैं वो कितने होते हैं? 10। ठीक है, 10 होते हैं ना, तो पैंसठ मीटर में जो डेका मीटर होंगे वो कितने होंगे? 5। अब लास्ट में क्या बोल रहा है? मीटर में बदलने पर, यानी मीटर कितना बचा? 5 मीटर बचा। 98 किलोमीटर, 7 क्या है? हेक्टोमीटर, 6 क्या है? डेका मीटर, और जो मीटर बचा वो कितना है? 5। आप सभी को मेरे हिसाब से ये सवाल समझ में आया होगा। हमें क्या करना है? मीटर को किलोमीटर में, हेक्टोमीटर में, डेका मीटर में और मीटर में बदलना है। तो हमने क्या करा? पहले किलोमीटर को मीटर में बदले, फिर हेक्टोमीटर को मीटर में बदले, फिर डेकामीटर को मीटर में बदले, और फिर मीटर का तो मीटर होता ही है। समझ में आया होगा आप सभी को। अगला सवाल, सवाल नंबर 24। एक विद्यालय में, एक विद्यालय में 850 विद्यार्थी है, उनको चौंतीस, तीनों चार क्या होता है? 34
विद्यार्थियों, की कक्षा में बांटा गया। बताइए कुल कितने कक्षाएं विद्यालय में है? ठीक है, एक विद्यालय में 850, देखिए एक विद्यालय में 850 विद्यार्थी है, उनको क्या यानी पूरे विद्यालय है ये, उसमें कितने हैं? 850। अब बोल रहे हैं ये कि एक जो कक्षा है उसमें कितने विद्यार्थी हैं? 34। जब इसमें से निकालते हैं 34 तो कितने एक कक्षा बन रही है? ठीक है, तो इसमें कितनी कक्षाएं बनेंगी यानी कि 850 में कितनी कक्षाएं बनेंगी? तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लिखना है एक विद्यालय में जो विद्यार्थी हैं वो कितने हैं। एक विद्यालय में जो विद्यार्थी हैं वो कितने हैं? एक विद्यालय में विद्यार्थी हैं कितने? 850। कितने विद्यार्थी हैं? 850। ठीक है, अब एक कक्षा में विद्यार्थी हैं, एक कक्षा में विद्यार्थी कितने हैं? 34। तो 850 विद्यार्थियों की कक्षाएं बनेंगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बच्चे दे रखेंगे, 850 क्या है? बच्चे। ठीक है, एक कमरे में कितने आ रहे हैं? 34। तो ये पूछ रहा है 850 विद्यार्थी हैं तो उनकी कितनी कक्षाएं बनेंगी? तो हम क्या करेंगे, इसमें भाग लगाएंगे। क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए 34 का पहाड़ा नहीं आता, सबसे पहले क्या करेंगे हम, 34 का पहाड़ा बनाएंगे। देखिए 3 और 4, 3 × 3 = 3 × 3 = 12 × 5 = 15 × 3 = 18 × 7 = 21 × 3 = 28 × 7 = 30 × 24 = 27 × 27 = 30 = 40 4 × 4 = 8 × 4 = 12 × 6 = 6 × 5 = 24 × 6 = 28 × 7 = 28 × 7 = 28 × 7 = 28 × 7 = 36 मैंने ऐसा क्यों लिखा, 34 का पहाड़ा बनाने के लिए। कैसे बनेगा, देखिए 3 और 4 ले लिए, 6 और 8 ये भी ले लिए। अब देखिए यहाँ क्या है, 1, 2, 3 अंक, यानी इन दो को क्या करना है, जोड़ना है। 9 और 1 कितना होता है? 10। 6 से कैसे 2 और 1 3 और 1 ऐसे कैसे 0। 5 और 2 कितने होते हैं? 7। आगे क्या है? 1। इसी प्रकार आगे देखिए ये क्या है? 4। 8 और 2 = 10। 10 का क्या आएगा? 0। और 1 में 1 जोड़े तो 2। इसी प्रकार यहाँ क्या लिखना है? 8। 2 और 1 को जोड़े तो 3। 2 ऐसे कैसे 2। 3 और 4 को जोड़े तो 7। 2 ऐसे कैसे। इसी प्रकार 6। 3 और 7 को जोड़े तो 10। 10 का 0 हासिल 1। 2 और 1 को जोड़े तो 3। 0 4 3। ठीक है, इनको जोड़े तो 4 ऐसे कैसे। ये क्या है, 34 का पहाड़ा है। अब देखिए इधर चलिए, पहाड़ा बनाना सभी को आ गया होगा। 8 और 5, 8 और 5 को क्या बोलते हैं? 85। क्या बोलते हैं? 85। क्या बोलते हैं हम? 85। तो हम आगे देखते हैं, अब देखिए 85
और 85 आ रहा है क्या? नहीं, क्योंकि ये क्या है इससे बड़ा, ये क्या है छोटा। छोटा ले सकते हैं लेकिन बड़ा नहीं ले सकते, तो हम क्या करेंगे 6 और 8 को लेंगे। 6 और 8 को क्या बोलते हैं? 68। क्या बोलते हैं? 68। कितनी बार में? कितनी बार में? 2 बार में, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, इससे छोटा है। क्या है? छोटा है। 5 क्या है? छोटा है। किससे? 8 से। हम क्या करेंगे? इससे उधार लेंगे। यहाँ कितना बचा? 7। इसको दिए तो कितना हो गया? 15। अब 15 में से 8 घटाए, तो 15 में से 8 घटाए तो कितना? 15 में से 8 घटाने पर कितना बच रहा है? 7 बच रहा है। कैसे बचा? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 गिनो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 अंक है ना, तो 7 लिखना है हमें, ठीक है। अब आगे देखें, 7 में से 6 गया तो कितना बचा? 1 बचा। कितना बचा? 1। हमें क्या करना है? लिखना है, ठीक है। यहाँ पर लिखना है, 15 में 7 गया तो 7, 7 में 6 गया तो 1। अब देखिए क्या बचा? 0। क्या करेंगे? उतारेंगे। 170, 34 के टेबल में देखो, पहाड़े में 170 आते हैं क्या? आते हैं। कितनी बार में? 1, 2, 3, 4, 5 बार में। कितनी बार में आते हैं? 5 बार में आते हैं। 170 कितनी बार में आए? 5 बार में आए। मैंने यहाँ क्रॉस क्यों लगा दिया? क्योंकि हम इसको अगर यहाँ से घटाते हैं तो भी क्या आता? 0, 0 आता है। यानी कि कितनी कक्षाएं बनी? 25 कक्षाएं बनी। देखिए वापस देखिए एक बार, एक विद्यालय में 850 क्या है? विद्यार्थी हैं। उनको 34 विद्यार्थी, यानी 34 क्या है? विद्यार्थी एक कक्षा में बैठते हैं। कितनी कक्षा में? एक कक्षा में। तो 850 विद्यार्थी कितनी कक्षा में बैठेंगे? ये क्या है? प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए जब इस तरीके से सवाल पूछे तो हम क्या करते हैं, विद्यार्थियों को अंदर और जो इसमें बाहर विद्यार्थी दे रखे उसमें उसका भाग लगाए तो क्या आई? कक्षाएं आई। कितनी आई? 25 कक्षाएं आई। अब देखिए आप सभी को यहाँ तक सभी सवाल समझ में आए होंगे। अब देखिए वापस से हम एक बार देखते हैं, आरोही अवरोही विस्तारित रूप। पढ़े थे ना हम शुरुआत में कि आरोही किसे कहते हैं, अवरोही किसे कहते हैं। देखिए आरोही क्रम, अवरोही क्रम और विस्तारित रूप, ठीक है। आरोही है ना, इसका मतलब क्या है? आरोही यानी, ठीक है। आरोही क्या है? बढ़ता, बताया था ना, बढ़ता क्रम। अवरोही क्या है? घटता, घटता क्रम। और ये क्या है? फैला हुआ, ठीक है। यानी कि छोटे से बड़े की ओर, ये क्या है? छोटे से बड़े की ओर गए तो क्या हुआ? आरोही। अब यानी क्या होता है? घटना, ठीक है। हम क्या करें, ऊपर से नीचे आ रहे तो हमारी क्या हुई? सीढ़ियाँ क्या हुई? घट रही है। तो ये क्या है? हमारा अवरोही क्रम। विस्तारित रूप क्या है? जो संख्याएं हमें देता है, जो हमें संख्याएं देता है उनको फैलाकर लिखना। किस तरीके से फैलाकर? खींच के नहीं, खींच के नहीं लिखना। जैसे कि हमें ये देता है, ये संख्या दिया। अब विस्तारित रूप में क्या करना है? जितने अंक पीछे देता है उसको क्या मानते हैं? हम 0 मानकर लिखते हैं। इसी प्रकार 2 का जो विस्तारित रूप हुआ 200, 5 का विस्तारित रूप क्या हुआ? 50, और 0 का क्या हुआ? 0। यानी उसका स्थान ग्रहण करना कि उसका स्थान क्या है। जैसे यहाँ पर क्या है? 2 क्या है? सैकड़ा। सैकड़े को क्या बताती हूँ मैं आपको? 100। इसी प्रकार ये क्या है? आपके दहाई। ये क्या है? इकाई, ठीक है।
मैंने क्या बताया, इकाई में एक अंक, दहाई में दो अंक, सैकड़े में कितने, तीन अंक आएंगे। ये क्या है हमारा विस्तारित रूप, के हमने 250 का जो विस्तारित रूप लिखा वो कैसे लिखा। अब सैकड़ा आ गया तो ये 200 इसका क्या है, स्थान हो गया। दहाई में ये 50 आया, दहाई इसका स्थान हो गया। जीरो क्या है, इसका इकाई है, तो हमने क्या करा, इकाई लिख दिया। अब देखिए आरोही की परिभाषा वापस बताती हूँ मैं आपको, छोटे से बड़े अर्थात बढ़ते क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। अवरोही क्रम, बड़े से छोटे यानी कि घटते क्रम को, बड़े से छोटे यानी कि घटते क्रम को हम क्या बोलते हैं, अवरोही क्रम कहते हैं। इसी प्रकार विस्तारित रूप, जो अंक उसका स्थान ग्रहण करता है, यानी कि जो अंक देता है, जो उसका स्थान ग्रहण करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, विस्तारित रूप बोलते हैं। अब तुल्य भिन्न देखिए, समतुल्य भिन्न बताए थे ना मैंने आपको, समतुल्य भिन्न, समतुल्य भिन्न यानी कि सम यानी क्या, समान, समान, समान यानी क्या, एक जैसा, ठीक है। यानी कि कोई भी अंक हम लेते हैं, कोई भी अंक हम लेते हैं तो उसमें क्या करना है हमें, उसमें हमें ये करना है कि काटने पर यानी कि जो भिन्न के ऊपर और नीचे संख्या आ रही है उसको उसी पहाड़े से जो हमें आगे देता है, काटने पर अगर वही उत्तर प्राप्त होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, समतुल्य भिन्न बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा 2/5, इसको आगे बढ़ाना है दो बार, यानी दो बार बढ़ा दिया, दो कम दो, दो तीन चार, दो तीन छः, पाँच, पाँच दस, पाँच सिया 15, ये क्या है हमारे समतुल्य भिन्न हैं। देखिए किस प्रकार हुआ समतुल्य भिन्न, देखिए ये दोनों क्या है, एक ही पहाड़े में आने चाहिए, जैसे कि 4 और 10 किस में, दो के पहाड़े में आए, 4 और 10 दो के पहाड़े में आए, कितनी बार आए, 4 दो के पहाड़े में 4 2 बार आता है, और 5 10 5 बार, यानी कि काटने पर 2/5 और यहाँ पर भी 2/5, ये क्या है, समान है, यानी ये दोनों क्या है, एक जैसे हैं, तो ये क्या है हमारा समतुल्य भिन्न। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं हम, इसको क्या करेंगे, 2 से तो ये दोनों कटेंगे नहीं, तो हम क्या लेंगे, 3 लेंगे, तो ये कितनी बार कटा, 2 बार, और ये कितनी बार कटा, 5 बार, यानी क्या हुआ, एक जैसा आया, यानी कि ये क्या है हमारा समतुल्य भिन्न है। अब देखिए SW कार्य नोट करें, आपके सवाल नंबर मैंने कितने कराए थे, 24, 25वां और 26वां पुनरावृत्ति एक का, 25वां और 26वां सवाल, 25वां और 26वां सवाल में आपके जोड़ और घटाओ हैं, इनको आप खुद से हल करें। धन्यवाद।